अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, यकीन मानिए सच्ची मोहब्बत मिल जाती है, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। अगर आपके पास पुरखों की छोड़ी हुई जायदादें, जरई ज़मीनें, बैंक बैलेंस है तो बैंक आपको कर्जा देने की तो गारंटी देता है, मगर अच्छे रिश्ते की। अच्छे रिश्तों का मिलना पाकिस्तान का वाहिद मसला है जो अमीर गरीब मुतवसत हर तबके में पाया जाता है। चौधरी साहब जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है मगर वो अच्छे रिश्ते की तलाश में, आइए देखते हैं कि उनको अच्छा रिश्ता मिलता है या नहीं। बात है ईमान ना, तुसी मेरे दिल दी गल कीती है, है ना। चंगे रिश्ते किथे लभदे जे इत्थे? ढूंढ रहे हैं आपको रिश्ता? ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। किसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं? अपनी बेटी दी शादी करनी है। ओ अच्छा, लेकिन बंदा अपने पाए दा होवे ना, कोई नाल दा बराबर दा होवे ना, ओ लभे ना। या चौधरी ना टुरे ते चौधरी दी शान वधे, अगले कहना चौधरी दा जवाई जा रहा है। तो गांव में रिश्ते की तलाश जा रही है? हां जी, नहीं नहीं, साडा अपना काम है जी, की अकबर नाई, वो भी साडा जद्दी पुश्ती नाई हैगा। अच्छा, ये नाई भी गांव में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं ना, खुशी गमी पे खाना भी बनाते हैं, रिश्ते भी करते हैं। असल पता की गल है, ये होंदे ने खोचल, इन्हां नूं अगले दे खानदान दा पता होंदा। हां हां, उनको घरों के सीक्रेट्स भी पता होते हैं। गामे जी, चौर साहब जा अकबर नूं बुला के लिया मेरा पुत्र। आपकी बेटी को कोई पसंद नहीं है जिसके? नहीं नहीं, क्यों, जिथे असी आखना उथे उन्हें करना है, उसकी जरूरत है प्यो दे के बोले। लेकिन बेटियों से पसंद पूछनी नहीं चाहिए? ये वो पूछनी चाहिए ने। आ, आ मेरा पुत्र, आ जा, आ जा मेरा बच्चा। जिंदी रहे। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी दी है। पढ़ी है आप? हाँ जी। कितना पढ़ी है आप? पांचवी तक। पांचवी तक बस, आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं, आगे क्यों पढ़ना है, साड़ियां दियां बस, ज्यादा नहीं पढ़ना है, उन्हें समझ आ गई पढ़ी लिखी इतनी बड़ी है। मैंने सुना है कि जागीरदारों के बेटे तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड इधर उधर पढ़ते हैं, बेटियों को आप नहीं पढ़ाते, क्यों? देखो पुत्रा पढ़ाना चाहिए जिथो तक हो। अच्छा, पर दियां वास्ते सिर्फ इन्ना होंगे कि इन्हों का घर वास जाए पुत्र, जिथे तेरे प्यो ने कहना शादी तू उ करनी है ना। हाँ जी। देखिए अकबर ने मैं बुलाया, रिश्ते आ रहे हैं, मेरे दीप जिहड़ा मैनूं बच्चा पसंद आएगा ना उहदे नाल तेरी शादी है। जी अब्बा जी। खुश रहो पुत्र, टेंशन ना लै, वेख जाके मां तेरी की कर रही है। जी अब्बा जी। आ गया चोर साहब, अकबर आ गया। ओ मैं सदके जावां। सलाम चौरी जी। वालेकुम सलाम। होर अकबर सुना। चौरी साहब की तकलीफ की थी, तुसीं गामे नूं मेरे वल भेजिया? खैर ते आ ना चौरी जी, इहदे बैठ ते ना गल कर। पिछे होए आया लै जी, होर पिछे होए बैठा जी। बहो बहो, बड़ी मेहरबानी, वेखण है जी। अकबर गल पता की है, बच्ची दे रिश्ते लई बुलाया तेनूं। देख अकबर, मैं तेरे प्यो दे दित्ते गुनाहां दा सदमा हुण तक सह रहा, लेकिन मेरी धी दा रिश्ता चंगी जगह ते होना चाहिदा। चौर जी, जिहड़े मेरे वड्डे होण उहनां दी मिट्टी पाओ, वक्त ने मिट्टी उहनां दे पाती। ओह, कोई अनपढ़ बंदे होण उहनां दा कोई वड्डी गल नहीं। हाँ जी, हुण मैं कोई तुहानूं पता पंज पढ़िया, उह वी तुहाडी मेहरबानी ना, तुसीं मेरीआं फीसां ना दित्तीआं होंदीआं ते मैं पंज कित्थे पढ़दीआं है। वेख्या लगदा कालम निगार गल कर रहा है। ओह तुसीं साडे पिंड दी शान हो, ओह तुसीं इस पिंड दे टग्गे हो, भावें आंडे दिओ भावें बच्चे, अही को बोलणा। अच्छा मेरी गल सुन जी चौरी, ए जी अकबर मसाल दिंदा ना, तुसी अंडे दे हो या बच्चे दे हो? हाँ जी। मैं उस टाइम दा कंफ्यूज होया पिया, मैं अंडे दे हां या बच्चे दे हां? वेख्या किड्डे रौनकी ने चौरी साहब। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ओए वेखे नहीं रिश्ते? मैं कहना भी तुसी मैनूं कहना भी लिया मुंडे, तो मैं इत्थे मुंडिया दी लाइन ला देणी। ओहो, प्यो तरां ना करी बस। ओ छड्डो जी प्यो, बस छड्ड जोड़ तू। कौन आया ए? ओ नाई दा मुंडा अकबर आया है, अपनी साजदा दे रिश्ते लई बुलाया इहनूं। इहनूं इत्थे रोक के ही रखणा, हले तो मैं प्यो दे कीते जुल्मां दा बदला इहदे कोलों लैणा है। लो जी, अज जिहड़ी चौधरी हुंदी अज मेरे नाल होणी है। उनको भी आपसे शिकवा है? पिंड दी चिधराणी है जी, भावें आंडे दवे भावें बच्चे, उहनां नूं किने दंद कट देणे? इह मिसाल मेरे तक ही रख तूं। अच्छा चौरी, अकबर तेरे को खाण पीण ते पुछिया, ओ जाए लस्सी लै के आ अकबर। लै जी, लै भी लै। गल सुन, लाले गल भेजना पुत्र, मक्खन पा लई। लै जी। आ गल एक मिनट, ए ठहर दे। हां जी, पराठे भी नाल दो बनवा लई। लै जी, दो पराठे। गल सुन। हाँ जी। अपना नाल साग भी लै कौली भर के। चौर साहब एक बार मैं लिख के दे दो, जो जो लिया मैं लै आवा। ठीक है, जा जल्दी जा, मक्खन दो तेरा खंड पा लवे। अच्छा यार, तू सारी गल मेरे हाथ तो आ, मैं खा लिया सारा। चलो यार आन दे, जा मेरा पुत्र, दुध पत्ती मेरी गल सुन। हाँ जी, दुध इधर आ, तू इधर आ। अकबर को एक ठहर जा, कोई होर शाय खाने पीने दस। नहीं, इस तरह की पचासी कबील फेर टोर लो। दो लैके लस्सी इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा।
अच्छा वैसे जुल्म नहीं इतने यमी खाने गिनवा के आप मंगवा नहीं रहे? नहीं नहीं पता गल की, मैं कहना पहले ना रिश्ते दी गल हो जावे। मैं कहना रिश्ता तुम समझो, तुम रखो ढोलक रखो इतने घर जश रखो। मैं अपने घर ढोलक रख लवा है चौधरी का घर है। चौधरी खुशियां दी ढोलक, खुशियां दी ढोलक। मैं कह चौधरी साहब का शुक्र है अकबर ले थे ये। सलाम चौधरानी जी। सलाम चौधरानी जी। बिस्मिल्लाह इथे बैठो आ। इथे क्यों ना बवा। रोब बनता भी है आपका। सत्ता पिंडा दे चौधरी वरियाम दी कली कली थी। ते केड़े खच्चां दे मत्थे लग गई। अब मेहमान बैठो, खच दी खच्चा बैठो तुसी। हां गल करदे पए ने। ओए मैनू इस टाइम मेरी मां बचपन याद आ गई। बड़ी चंगी तुहाडी मां पिछतन। मैं अपनी मां नूं तंग कीता। मेरी मां ने क्या बाना किसे प्यारे कब्र च जाके तू बसेंगी। तेनू इथे किसे चीज दी कमी आई है? मैं केड़ी शै दित्ती है तू मेनू? केड़ी शै मैं नाल नहीं लियाई, सोना नहीं लियाई, दाज नहीं लियाई। हां जी वे खेत खलियान नहीं लेके आई। हां जी बाग नहीं लियाई। हां जी ए ननजा लैन दो, बाद च सारी गल्लां कर लांगे। हाल कर दे गल। ओ तुसी इथे बैठो मेरे कोल। मैं बैठनी है तेरे कोल ही। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਲੇਕਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਫਾਈਟਰ ਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਾ ਹੈ ਚੌਧਰਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਚੌਧਰਾਣੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਜੀ, ਕਾਨੀ ਲਮਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਕਾਂਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਅਕਬਰ। ਤੂੰ ਨਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਏ ਕੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪੇ, ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਥਾ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਖਰੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਈਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਛਪਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਸ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਯਾਰ, ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਗਰ ਲੱਗਾ ਚੌਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚੌਰੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਫੱਟ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਤੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਾਥ ਹੈਂ ਆਪ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੱਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾਰਾ ਪਲਸਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹਲਵੇ ਨਾਲ। ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਬਹੁ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਟਕੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹਲਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਵੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖ ਬਰ ਕੀ ਚੰਦਰਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਰੀ ਮੈਂ ਚਰਚਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਚੌਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਹੋਣ। ਆ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਛੇਤਰ ਚੱਕ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ 20 ਮਰੱਬੇ ਨੇ ਚੌਰੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਕੋ ਐਬ ਨਾ ਕੋ ਵੈਲ। ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਵਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਕਰ ਕਰ ਢੱਗੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਢੱਗਾ ਆਉ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਓ ਚਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਡੱਗਾ ਜੋਈ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਢੱਗਾ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਆਪਨੇ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਨਾ ਫੀਸ ਇਨਕੋ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਕਮ ਦੇਣੇ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਾ ਨਾ ਆਪਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਲਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਰਹਿ ਜੀ। ਲਓ ਫਿਰ ਯਾਸ਼ਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆ ਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ। ਮਾ ਕਹਿੰਨਾ ਲਓ ਆਇਆ ਲਓ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਾ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਲੇ।
पर दुआ करना जी रिश्ता चंगा हो जावे। ओ कौन है कोई बुजुर्ग है कोई तवीज धागे करने वाली है जो को दुआ करानी तू ओ करना हम साहे जी होए तेरी गल सुन लो चौधरी साहब मैं अपनी कुड़ी दा ब्याह उत्थे करना जेड़ा मुंडा पढ़िया लिखिया होवे ते मेरी धी दा ध्यान भी रखे और लड़की को पसंद भी हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी ठीक ठाक उस्ताद। मेरा पुत्र बे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सबके जावा मेरा पुत्र लई चोरी नदीम आ गया है लहरा मेरा हो गया और भी गमे कैसे हैं ठीक ठाक है। ठीक ठाक साहब। और सुना पुत्र। बस दुआवां तुहाडियां बस चल रहे काम शाम तुसी सुनाओ ते भी तनी सुनाओ अपनी। बस तबीयत ठीक है बस तेरी बहन दी शादी दा सोच रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये आपके फैमिली मेंबर है? ये मेरा भांजा है माशाल्लाह खड़ा होके बखा है। ये गांव में जींस मींस कहीं बाहर से आए आप? ये शहर आया है। हां लगता भी है। हां उथे दा अपना रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा। हां जी हां जी हां जी। ओ की खाना पीना है? कुछ भी नहीं मामू बस तुहानू वेख के लै लस्सी दा गिलास लै के आ। अच्छा फिर आ गल सुनो। हां जी मक्खन पाले विच है। अच्छा जी ठीक। अच्छा एक मिनट ठहर जा। और कुछ पुत्र मनाल दो पराठे जड़े ना। हां ओ देसी घी वाले लेके आवी। अच्छा उठा मैं लेके के दे दियो एक बारी तो मैं ले आवा चीजें। ए दी ए ही गल हैगी इने काम चोर बंदा चल इधर आ जा। मुझे पता चल गया था ये खाना कभी नहीं आना। एक ते चौधरी साहब ताडियां कंजूसियां मार गईयां। लावे पुत्र तेनू देसी घी ओदे चौपड़ के परौंठे खुआवा। आया सार पकया यही बी नाइस विद चौधरी साहब। तू रख ले भैन। वाह वाह चौधरी साहब बड़ा सोहना ते जवान तुहाडा अपने मैं मेरा साला डबल जान दी ना चौधरी साहब आपे तुसे कहंदे हो गरीब अमीर दा फर्क मिटा देने तुसी। नहीं पुत्र इना ते रखना चाहिए ना फर्क। हां चौधरीया अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है? जी आखा जी आखा। और तबीता ठीक है? जी हां आओ जी बिस्मिल्लाह। ओए 200 डा कचहरियां दा ते लो वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। ओए बहुत चंगा कीता यो नाइया ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਉਂ ਕੇ ਨਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਡਰਾਮੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਰੀ ਬੋਲਾ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਮੀਆਂ ਬਗੈਰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਆਹ ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ये रिश्ता आपने अपनी बेटी के लिए? नहीं 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 ये तो मुंडे दा प्यो मुंडा थे के बैठा वड्डी गड्डी च इंजी लोग वेख के मेनू भलेखा खांदे ने 200 डा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। व्हाई डोंट यू जस्ट बिहेव योरसेल्फ आप आंखों से क्या इशारे कर रहे हो? गोली वजी है मेनू मैं जान के नहीं कर रहा। अच्छा अपना अकबर अजी हां पुत्र हुन जेड़ा ना इंतजार दी घड़ियां खत्म करा। बच्चा किथे है? ओ मुंडा जी गड्डी संडा सुट लैंदा है मैं कहना ट्रैक्टर अगू चुक दिंदा है चौधरी वड्डी गड्डी च बैठा गड्डी बंद करन तो बाद 15 मिनट स्टीयरिंग ना खेड़दा रहंदा। अच्छा अच्छा चौधरी दा मुंडा ना ओ जल्दी साडे पुत्र नु लै के आ ओए देखो तेल तूल चोना है के नहीं बिस्मिल्लाह मैं आयो आया ए चौधरी लंघ आओ ये ग्रूम टू बी ए रेसलर बिस्मिल्लाह कर हां बिस्मिल्लाह हां इधर मु कर हैं हैं देखे जे ਓਏ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਆਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਨਕੋ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਬਸ ਸੰਡਾ ਡਿਗਿਆ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਓ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਕੈਚਪ ਖਾਦਾ ਹੁਣ ਬੱਕ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਸਤੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਛਾਨਾ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਤਰ ਫਸਿਆ ਕਰੀ ਮੁੰਡਾ ਫਸਿਆ ਕਰੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੀੜੇ ਚ ਉਂਗਲ ਫਸੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਾਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਬੱਕ ਬੱਕ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਛੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜੰਪਰੀਆਂ ਆਣ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆ ਮਾਰ ਬੜਕ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰ ਆ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਬੜਕ ਮਾਰ ਬੜਕ ਇੰਨੀ ਓ ਚੌਧਰੀਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਓਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਹੈ ਓ ਚੌਧਰੀ ਮਾਈ ਗੋਡ ਓਏ 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 ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
चौरी लै के तू सावरी कॉल करता जी अपना अकबर उतरे खुस्सा दे चौधरी ने तो तेन बदवा दे जाएगा इथो निकल इथे खलो जा मैं अपनी अम्मी लैके आना निकल निकल नहीं दिया चौधरी साहब मैंने आपको सही सजेस्ट किया था ना कि इसकी फीस बढ़ाए ये की लेके आंदी मैं मुंडे दी पिक्चर देखी सी डबिंग नहीं सी सुनी चौरी जी दबा जाओ ठीक जे रिश्ता लेके आ एक गलती मेनू माफ कर दे चौरी जी हुन जेड़ा मैं साग लेके आना ना हुन तुसी मेरा मत्था चुमना मत्था चौधरी नाल गल कर ली आवाज सुन मैं कहना चौरी जी मैं वेख चाक के लियावांगा तेरा भला होवे ला भी दुआ करी अपना फरियाद नु तेसा तेज करा के देन वालेया चल चल जा अल्लाह दे सुपुर्द मेरी जनानी बड़ा बेस्त करदी रहिंदी है जी ओ तो मैनूं भी करदी है छड़ दे हैं आओ मैं समझ कोई बड़े काम दी गल करन लग्या तू आ गया जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं कहना कि हुण तुसीं मेरा मत्था चुमोगे आ बंदा परे कर दे निकली जाओ लाला कुत्ते मजनू की पहचान कराने जी जे इजाजत दो तो मैं बंद अंदर बुला ला बुला ला बुला ला अपना चौर जी आज चौर साहब नरम दिल दे मालक हो ते माफी माना जरा दो मिनट मैं गल कर लवा मैं फोन आया सी चौरी अकरम दा पिंड दे बंदे ने टेंशन नहीं लैनी पुत्र मैं अपने बच्चे दा आप इलाज करासा वालिद साहब ने परेशानी नहीं तुसी करनी छे लाख मैं वधिया अस्पताल दाखिल कराना है। हां जी, प्राइवेट कमरा लेके देना है। मुझे लगता है आपके सारे रिश्ते रिश्ते कराने वाली आंटियां ले गई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं जो सुख चाहते ने भी इन्होंने सिर चुकना नहीं सारी जिंदगी पेवा पुत्रा ने जदों तक जमे इन्होंने महल च सिर नहीं चुका तो चौरी अगे चुकन गए मैं कहना इस तू बाद ना सिर चुकन गए ना कुंड चुकन गए जनाब ये की तकल्लफ है तकल्लफ तो जे मैं किया ही नहीं गा अन्नी दे अकबर ओए अकबर ये साडे नाल की हो रहा है आ खाले दी पुली ते बाकी गल्ला होण गिया उथे आ जाओ निकलो अन्नी दे बच्चिया मार इन ओ यार मेरी गल तो सुनो ओ तुहाडे परोणे आ तुहाडे मेहमान आ यार देखो सही ना करया तू क्या
ਦਿੱਤਾ ਬਾਪ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਚਵਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਨਾ ਐ ਕੀ ਏ ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੈਚ ਕਰਾ ਦੇ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾਗਾ ਬਲਿਆ ਕਰ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਝੁਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪ ਔਰ ਢੰਗ ਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੇੜੇ ਗਰਗਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਬ ਔਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਗ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਬਾਅਦ ਮੇ ਲੈਣਾ ਲੜਕੀ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਮਾਨਤ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਇਚ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋੜਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਡਾਂਟੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਦੱਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੁੱਸੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਲਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਹੈ ਦੱਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਲਗਾ ਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਕਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ मस्तियां में एक मरतबा फिर खुश आमदीद जी तो देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है जी खबर है कि दुल्हा नोट नहीं गिन सका दुल्हन ने ऐन मौका पर शादी से इनकार कर दिया इतनी बड़ी गलत नहीं कि नोट नहीं गिन सकता मतलब वो सदा बिजी हुए उस टाइम वो भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में ये वाक्या पेश आया है शादी की तकरीबात के दौरान दूल्हे को 30 नोट दिए गए कि भाई गिने आप दूल्हा गिन ही नहीं सका मुतअद्दिद बार कोशिश के बाद जब दूल्हा नहीं गिन सका तो दुल्हन को उसकी ज़हनी हालत पे शक होना शुरू हो गया अच्छा इम्तिहान ले यानी को तो इम्तिहान लिया गया है और वो इम्तिहान में फेल हो गया बहुत समझाया रिश्तेदारों ने दुल्हन को कि सुलह कर लो कोई बात नहीं छोटी सी गलती है बट शी वाज लाइक नो ये माड़ी गल है कि इन्ने बंदे इन्ने बिरादरी इकट्ठी हुई है अचानक कहते जी कुड़ी कहो जी मैं ब्याह नहीं करना हाँ तो जिंदगी गुजारने के लिए हिसाब किताब का आना तो बहुत जरूरी है हिसाब किताब होता है जिंदगी गुजारने लिए मतलब मैं तो बहुत दुख होया जी देखो मैं बहुत सफर करके पवन ने ब्याह गया अगर बंदे से लोट ना गिने जाओ तो ना फिर क्या बात हो से कल को जिम्मेदारियां कैसे गिन से तू जो रोटो से जिम्मेदारी का क्या ताल्लुक एक काको है गुलकारा भी इधर दी अपना उत्तर प्रदेश दी अगो जाके मैं देखो जी हकीकत है बोलना होगी दुल्हन दुल्हा पिछे कौन बैठे जिदा बंदा थोड़े बैठे बोर करने इधर ए बराबर का असि भी पिछे बिठाया
चल भी शुरू होगा कर। ये जो दूल्हा मेरा साला है ये बड़ा मासूम सादा इनोसेंट है। अच्छा यो ये लड़की तेज मिल गई इसको, ये लालची है लालची। यो मैं तो लुगाई को भी कह दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ठीक किया ऐसा। ये आपकी लुगाई है? ये लुगाई हमारी। यदि लुगाई ने ओ लुगाई बुझाई की थी है ना, मैं अपने भाई का घर बसता बना देखना चाहूं। देख मेरी तू बड़ी भैन, मेरी बुजुर्गा दी जगह है, सदीक बसाना तेन भैन कहंदे। ओ भाई जिस लुगाई को ये यकीन नहीं है मेरा दुल्ला नोट ना गिनो, फिर उसके साथ साधो करना से इनकार करो। ओ जदो पूरे गुरदासपुर दे मंगण वाले आके तेरे को पैसे गिनांदे आ, तेरे को अपने ब्याह दे कितने गिनेंगे। अच्छा देखे ये दूल्हा भागा भागा शादी करने गया था, दुल्हन ने इनकार कर दिया तो कैसे बुराइयां कर रहा है उसकी। देखो ना एडी की शादी उन्हें शादो करता कि ना एदा बनदा शादी करना, सारा खानदान इकट्ठा है। बेटा तेरे लिए भी कोई है कि नहीं? तेरे के पीछे कोई नहीं? रिश्ता क्यों नहीं कराया तुम्हारा? मेरे भाई को पसंद थी ये छोरी, छोरी को पसंद था मेरा भाई। अच्छा यो भाई साहब मैं बताता हूँ तनिक। हाँ जी। यो एक दूसरे को देखा तो नहीं लेकिन फोन पे लंबी लंबी बातें कर रहे थे, अब जाके जो है वो मामला सेट हुआ है, लेकिन यो लालची निकली है। लालची ना ना दे, देखो जिदा थोड़ी क्रिकेट सड़न टसली ना मुक सकती, जिदा हाकी थोड़ी साड़ी टसली मुक सकती, इदा बोर करने वाले बंदे दी भी असी टसल नहीं मुकणी। मैं मोहतरमा दस नावा, उन्हें पता लगेगा कि इधर की बैठा है। देखो गल है वेख के इनू वेख के मैनू अपनी कहानी याद आ गई है। ओ बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे जनाब वालिद साहब ने बड़िया खुशियां नाल मेरी शादी की थी। अच्छा जी। वलीमा आ गया, वलीमे ते दोवां तिरां दे मेहमान आए, बड़ा ठीक ठाक कट होया, देगा पक्कियां, खाना खा ते पकदियां ने, हर चीज हुंदा है। गल दसो गल की होई? सलामियां हो रही सन जनाब, लड़की वाले ने सलामियां दितियां, मेरे वालिद साहब अगे वधे, उन्हें क्या ओए गुलफाम आप एक मेहरबानी कर सकते हैं, ये सेरेमनीज थोड़ी कम कर दें। मैं कम ही की थी, ये शॉर्ट कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब क्या गुलफाम सलामियां गेन। ये गुलफाम कौन था गोली बजना? बाजी प्लीज अपने करैक्टर चुनन निकल। मैं सलामियां शुरू कर दी थी गिनियां, मेरे वालिद ने क्या ये गल करनी सुनल, ये थोड़ा ब्याह फीफा वर्ल्ड कप तो बड़ा ही हो गया। आपकी शादी खत्म हो गई है यार तुझसे? खत्म हो गई जदों देगा पकाने वाले ने कहा तब खत्म हो गई। छोड़ दे गल प्लीज, है तो सच्चे बस कर दे यार। और जनाब मैं देना इतना बोर मैं कैसे कर सकूं। खानदान की हिस्ट्री देख के मुझे लग रहा है कि 30 नोटिस बेचारे ने कभी इकट्ठे देखे ही नहीं शायद। ना क्या बात करी वीना बहन। यो वीना जी पैसे में खेला है, ऐसी बात नहीं है, पैसे में खेला है लड़का। यो तो मैं कहंड भी गुरदासपुर दे जिन्ने मंगण वाले है शाम नु आके इदे को पैसे गणवांदे है। ये शाहकार आपको मिला कैसे? एक लंबी दास्तान है। मेरा उत्थे पुराने टायरां दा अपना पिछले पासे गोदाम जिहा बणिया। एक दिन बारिश पै रही सी, ठंड बहुत सी। अच्छा। उत्तों बिजली चमकी, मैं कहा कि टायर चो ट्यूब पाटी बाहर निकली है, फिर मैं कहा एड्डी ट्यूब भी नहीं पाट सकदी। मैं हौसला जिहा करके अगे नूं होया ते वड्डे टायर दे विच सुता सी पवन। मैं उन्होंने उत्थे कढ़िया पवन नूं, मैं कहा काका बाहर आप उत्थे भी इत्थे टायर च कित्थे तूं पनाह लई है। रोण लग पिया, मैं कहा कित्थों काका तुरिया कित्थों। देख सदीक बसण वाला झूठा बोली, मैनूं कहिंदा जी मैं यूपी तों आया। मैं क्यों कहना हूँ ठाकर ज्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। यदि स्टोरी सुनी मैं मेरे मैं तू जाना नहीं हूँ मेरे को। तो आपने इतना अरसा उनको साथ क्यों रखा हुआ है? ये लकी बड़ा है, फिर वैन चलान लग पे कह दी उसे। एक कहना जी एक दिन वैगन लैके जा रहे कि अपना समान छड़न लई, वैगन स्लिप होके दरिया डिगी, नाल दे ड्राइवर सी ओ मर गया, वैगन डुब गई, ये साला फिर बच गया। नहीं ये इतने हादसे हुए, इतने लोग मर गए, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये मनहूस था सबके लिए? जो वीणा जी आज तक मेरे साले को किसी ने बुरा बोला उसके साथ बुरा हुआ है। मस्कत गया 3 घंटे ली, उत्थे तो सुल्तान कबूस मर गया। मनहूस है ये जिन्हों छड़ के जाना वो मर जाता। मैं ताए दे व्याह ते डरदा ही गया। कहां है डर लकी है भी जंगल च मैं ते गए विजिट ते, उत्थे मैं लकड़ खरीदनी सी कोई नमाडा बनाना सी, उत्थे शेर ने हमला करता, शेर नू मुंह च पा के 2 मील लै गया। जब मैं मेन रोड ते पहुंचया ते शेर मेरे तो पहले नू जीडी रोड ते सुट गया। क्यों पता नहीं देख लिया शेर जंगल च ऊपर चलाउंदा सी। मैंने शेर से पूछा मुझे क्यों पंखा है, कहता मेरा मुंह कौड़ा होगा। यो पूरे राजस्थान में मेरे साले को लकब मिला। शेर के मुंह से निकला जीटी रोड पे अटका। और ये मेरी यकीनी बात है, मैं अपनी लगाई नहीं छोड़ूंगा। ये इसने मुझे गाने सुनाए, टेलीफोन पे इतने गाने गाती थी। कौन कौन से गाने सुनाती थी जरा हमें भी सुनाए ना। गाने तो हमने बहुत गाए, जैसे जैसे तो सुना ना, या भाई कुछ शर्मा रही है। जब इसने मेरे को अपना नाम बताया पवन, तो मेरे जहन में एक ही गाना आया, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग में हर उमंग। मान लो की मजा आवे
सारी ऑडियंस फिर फिर के कहना नए नोटों के लिए मुझसे रब्ता कर। फिर मैंने इसको गाना सुनाओ। कौन सा? कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कत मेरे दिल में उतर जाएगा। आया जो सुरीला गाना बच्ची ने गाया नाल इन्होंने, इन्ना काम करना पवन साहब ने दो अखा कट देनी। उतर जाएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। ये रात तक तू 1.5 लाख रुपया लेके घर ना आ। पवन तेरा ज़हन तो बन गया हल्का हल्का। बाकी पवन की शक्ल देखी, ही इज एक्चुअली थिंकिंग। वो देखो ना, उन्होंने भी कहता है हमारे लिए फांसी ले सो। फांसी की कह रहा हो? अब फांसी भी ले सो। अरे लकी है, इन्हें फांसी से बच जा। नहीं सदीक साहब, जो रस्सा असि आप पावे ना, पवन का प्यो भी बच के खाए। सर यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। देवेदास, वेलकम बैक टू मस्तियाँ वंस अगेन एवरीवन। अच्छा, शेख चिल्ली को हमने सुस्ती, काहली और फारिग बैठकर ख्याली पुलाव बनाने का इस्तारा बना दिया। लेकिन देखा जाए तो हम सबके अंदर एक शेख चिल्ली मौजूद होता है जो प्लान्स तो बड़े बड़े बनाता है मगर पेट का पानी नहीं हिलाता। वैसे लोग समझते हैं कि शेख चिल्ली कोई अफसानवी किरदार था। ऐसा नहीं है, शेख चिल्ली एक तारीखी किरदार था जो मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के उस्तादों में से था। ओ, तो आज हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद है शेख चिल्ली, उनकी वालदा और उनकी बेगम, मगर ये कहानी वाले शेख चिल्ली है। वेलकम टू मस्तियां एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। पता लगा भी अच्छा, इन तीनों में से शेख चिल्ली कौन है? मैं शेख चिल्ली हूं, मेरी अम्मी ने ते मेरी वाइफ भी है ते मेरा कजन भी है। बहुत मेहरबानी तुसी अपने प्रोग्राम दे सन बुलाया पूरी फैमिली नु। नहीं, बहुत मेहरबानी आप आए, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। एदे ते कोई शक वाली गल नहीं कि दुनिया सारी जानदी है शेख चिल्ली कौन है। रहने दो, इतने झूठे ख्वाब दिखाए भी ना। तौबा तौबा, कहता है कि अगर तू मेरी जिंदगी में आ गई तो तेरे लिए बहुत बड़े महल बनवाऊंगा। कहाँ है वो महल? शेख चिल्ली का चिल्ली रहा। शेख चिल्ली साहब, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सौर तेन की ज़िया में युद्धीन साहब तो गई। ये मेरा प्यार है, इन कोई गल नहीं करनी तुसी। मैं तू कौन है पर्दे पीछे जाके रोने वाले? इतना झूठा है, कहता है मेरी पोटली में ये है, आज मेरी पोटली में ये है, आज ये है, खोलो तो कुछ नहीं। इस पोटली में क्या है? ये साड़ी फैमिली पोटली है। फैमिली पोटली? आपके तो चलो बीच में ख्वाब है, बाकी क्या है? ये चम्मी का एक शरारा है, एक कमी की साड़ी है, बाकी ये मेकअप का समान है, मेरी बेच एक जुत्ती है। और ये जी भाई कचहरी नहीं मिलती नहीं, खाला जी किधर? मैं अपने पहले खावन की जमानत कराना ही। बंदा कला दौड़ता फिर भी दूसरे नंबर से आता। अच्छा छोड़े इन बातों को, काम धंधा तो आप करते नहीं, इन दो खवातीन को पालते कैसे? मजदूरी करी दी नहीं, मैं सवेरे सवेरे घरों निकल जाना। अच्छा। अपना खोता लैके। हाँ। मैं तो रात में मजदूरी करता। कौन सी? मैं इन दोवे की रात में ओवरलैपिंग रोकता। ओवरलैपिंग हूं मैं मां दियां लगन डियां तेनू, मैं जिवें इहनू पालिया वी ना मैनू पता। कैसे पाले? मैं लोगों के घर तप्पड़ियां मारियां, डकैतियां मारियां, कमेटियां मारियां। पता मेरी अम्मी नूं पंच लैण याद नहीं आ रही। मर के उहनां जावां अम्मी दी। नेशनल टीवी चल रहा है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाय नहीं, तेरा की ना है? हाय नहीं, मेरा वीना मलिक ना है। अच्छा, इनू केल गुल भी लगे अगे ना जा पई किते। वीना जी तुसी परेशानी हम फिकियां भी कर दिए। चुप कर जावे। मेरे मुंडे नु एवें लोकां ने बदनाम कीता अंडियां दी वजह ना। उस अंडे वाले ख्वाब से ये बड़े बदनाम हुए। जे मेरे पुत्र दी लोग गल मान लेंदे 5 साल पहले, 5-5 कुकड़ियां रख दे। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ, 650 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੁਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਏ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ।
ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਨ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਵੈਲ ਰੈਡ ਲੱਗ ਐਸੇ ਰਾਏ ਆਪਨੇ ਇਸਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਕਾ ਖਾਬ ਦੇਖਾ ਥਾ ਇਸਨੇ ਆਪਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਕਾ ਖਾਬ ਦੇਖਾ ਥਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਬ ਆਪਨੇ ਕੈਸੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਏ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿਸਟਰ ਚਿੱਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਿਨਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਚਿੱਲੀ ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ मैं साथ बैठी हूँ और डोरे मत डालो है किल बिल वाली हीरोइन अपनी हद में रहो किल बिल वाली हीरोइन किल बिल आप हाँ। उमा थर्मन कह रहे हैं वो उमा थर्मन मेरी नो बोल दी इंजे लगता होने 12 नंबर गाने दी अनाउंसमेंट कर देनी है असल में मेरे जिन्ने भी ख्वाब ने ना विना जी हमेशा मुकम्मल होए ने पूरे होए ने हमने तो पढ़ा कि आपके ख्वाब मुकम्मल ही नहीं होते थे अच्छा मैंने समझ नहीं आंदी इन्ने ख्वाब ने देख किवे ले ओ जी माई ते खराटा मार के हम साए उठा दंदी शेख साहब आपका गधा भी तो था ना वो कहां है आजकल वो चोरी हो गया है पता नहीं किन्ने बंदे रजे होंगे बाजी वर्गी नर्स मरीज दे मरण तो बाद कह रही थी मैं सीरियस हुई तो तुम चल दिए अच्छा मिस्टर चिली जी आप ये मुर्गियों और अंडों से निकल के कोई नया बिजनेस प्लान क्यों नहीं सोचते मैं बिजनेस थोड़ा चेंज कर रहे हैं अच्छा गुड गुड क्योंकि शुरू अंडे तो होगा मुर्गी दे अंडे नहीं तिलौर दे अंडे तो शुरू होगा वो कैसे मुर्गी दे अंडे इतना फायदा नहीं देंगे जितने तिलौर दे अंडे देंगे और सुना है अरबी बड़े शौक से खाते हैं क्यों पता मैंने YouTube पे देख रखा है अच्छा पैसों से सिर्फ फायदा नहीं होता सिफारती तल्लुकात भी तो अच्छे हो जाएंगे ना अच्छा उसके आगे स्टेप क्या उठाएंगे आप यही है मेरा इसे इन इस बिजनेस में और बदान दा इस बार शुतुरमुर्ग के अंडे दा करांगा ओए शुतुरमुर्ग दा अंडा देखे तुसी मैं देखया जी एड़ा बड़ा अंडा होता 2.5 तो 3 किलो दा मैं नहीं देखया ना इसलिए तन पूछ रहे हैं अच्छा ये जैसे ये ख्वाब देखते हैं और आइडियाज आते हैं इनके पास इनके अब्बा भी ऐसे ही थे वो एदे नाल भी बड़ा गप्पू सी ओ बहुत वड्डियां छड़दा सी खाले टांगा नहीं चलांदे होंदे औलाद पालन लई पता नहीं की करना पैंदा थी 6 सवारियां मैं बिठाउणियां आ फट्टी उत्ते बैठ के टर करदे घर आ जाना 1.5 मील दूर पता लग जांदा मैनूं अम्मी आ गई हां जदों पहिए दे विच ठंडा फसांदी सी ना मैं कहिंदा अम्मी आ गई अम्मी मेरी पहले मजमे भी लांदी हुंदी सी अच्छा जी हां जी ਅਰੇ ਜੋ ਨੰਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚੋਮੀ ਐਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਐਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਕੜੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਓਏ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਠਿਕ ਸੈਂਡੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਅਰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਮਿੰਜ ਕੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਤੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਰੇਤ ਪਾਤੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਮਸਤੀਆਂ ਮੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਵੇ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕੋਲਦਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਲੀ ਜਾ ਸਭ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ 뮤직 ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ 뮤직 ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਸੇ ਖਾਜਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇ ਰੁਬੀ ਜੀ ਆਪ ਇਤਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦਿਲ ਪੇ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਪੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬਾਤ ਲੈਤੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕੋ ਉਨਕੀ ਬੋਰੀਅਤ ਸੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀਅਤ ਖੁਦ ਖਰੀਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਨੇ ਆਪ ਚਾਦਰੇ ਨਿਕਾਲੀ ਇਹ ਨਾਮਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿਆਰ ਚਿਉ ਖਾਤੇ ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਦੁਬਈ ਚਲੋ ਸੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਪੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲੀ ਜਾਜ਼ ਰੰਨਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਾਜ਼ਲੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ 뮤직 ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋ ਬਾਤੇ ਕਰੇ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਾਉ ਜੀ ਹੈ ਜੀ
इजाजत दवो ते कप मार के दी यादाश्त वापस ले ना बुत इस तरह नहीं हो सकता मेरे तेन इजाजत के उत्ते चढ़ के छाल मार दे ताकि रौला ही मुक जाए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है हाँ जी पूछिए ये जो आप बोर करते हैं ये आपका नेचुरल टैलेंट है या घर में प्रैक्टिस भी करते हैं आपसे मेरे ख्याल पूछ रही नहीं नहीं मैं बात सही करता हूँ यानी कि उसमें वैसी बात बस थोड़ी ड्रैग हो जाती है ये जान के लंबी कहते हैं कि ये लंबी बात हो रही मैं शॉर्ट में अच्छा बात करता हूँ चलो फिर शॉर्ट बात करके दिखाएं पंच लाइन होनी चाहिए एक दफा फिल्म देखने चला गया ना तो रश बड़ा था अभी गेट नहीं खुला था देखे पांच जुमले हो गए पांच लाइन नहीं आई वेरी गुड हो गई सैनमेकर ना गेट बंद था गेट खुला अंदर गया पोस्टर देखे पोस्टर देख लिए यार बड़ी बात है यार बाजी बात पौने चार बजे बुकिंग खुली लाइन लग गई रश बड़ा सी लाइन नहीं लग गया हाँ जी और जो मेरी बारी आई टिकट खत्म हो गया बुकिंग बंद हो गई अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करते हैं नई मस्तियों के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़